हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स मई सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज है कि अभी रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा लॉन्च किया है। कौन से क्वार्टर का? अक्टूबर से दिसंबर 2021 के क्वार्टर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस पीरियड के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना रहा है? 8.7%। राइट, चलो अभी इस न्यूज़ के अंदर हम डिटेल में देखते हैं। इस न्यूज़ की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 13th पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सी संस्था के द्वारा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। और ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के दौरान ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा कौन कौन से डेटा हर क्वार्टर के अंदर लॉन्च किए जाते हैं? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR, ये तीन डेटा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा हर एक क्वार्टर के बाद लॉन्च किए जाते हैं। कौन से तीन डेटा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब ये तीन जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है कि जो लॉन्च किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, उसको समझने से पहले आपको लेबर फोर्स के बारे में समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ लेबर फोर्स, लेबर फोर्स क्या है। तो लेबर फोर्स हर एक व्यक्ति की जो एम्प्लॉयड है, जो कोई ना कोई जगह पे काम करता है, वो लेबर फोर्स के अंदर आता है। हर एक व्यक्ति की जो एम्प्लॉयड है, जो कोई ना कोई जगह पे काम करता है, वो लेबर फोर्स के अंदर में आता है। राइट, और हर एक व्यक्ति की जो जॉब सीकर है, जिसने अप्लाई किया है, जिसने कोई जगह पे अप्लाई किया है फॉर द जॉब, तो ये दोनों लोग, जो लोग एम्प्लॉयड है ऑलरेडी और जो जिसने अप्लाई किया है, ये दोनों लोग लेबर फोर्स के अंदर में आते हैं। राइट, तो ये पूरी लेबर फोर्स के अंदर जितने भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, जॉब सीकर है, लेकिन वो अभी एम्प्लॉयड नहीं है, तो वो सभी लोग कौन माने जाएंगे? अनएम्प्लॉयड। राइट, कि लेबर फोर्स के अंदर कितने लोग अनएम्प्लॉयड है वो कैसे माना जाएगा? कि कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है लेकिन उनको जॉब नहीं मिली है, और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो एम्प्लॉयड। सिंपल, लेबर फोर्स जितने लोग एम्प्लॉयड है, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, दोनों लेबर फोर्स में आते हैं। राइट, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? कि लेबर फोर्स के अंदर कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, मतलब कितने लोगों ने अप्लाई किया है लेकिन वो कोई ना कोई जगह पे काम नहीं कर रहे हैं, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिफाइन करता है। राइट, तो ये एक डेटा है। सेकेंड है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब कि फॉर एग्जांपल इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 130 करोड़, उसमें से लेबर फोर्स में कितने लोग काम कर रहे हैं। इन द सेंस लेबर फोर्स में कितने हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड है और कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल 5 करोड़ लोगों लेबर फोर्स के अंदर है, तो ये 5/130 क्या हुआ? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। राइट, फिर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब कि कितने लोग लेबर फोर्स में से एम्प्लॉयड है, कितने लोग लेबर फोर्स में से एम्प्लॉयड है, उसको बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। राइट, अभी इसका डेटा अक्टूबर से दिसंबर 2021 का नहीं लॉन्च किया है, अभी थोड़े दिनों के अंदर NSO के द्वारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का भी डेटा लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अभी इस रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सा डेटा उसने लॉन्च किया है कि अक्टूबर से दिसंबर 2021 जो क्वार्टर 3 ऑफ 2021 है, कि उसके दौरान अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना रहा इंडिया के अंदर और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना रहा इंडिया के अंदर, और उसकी कंपेरिजन प्रीवियस क्वार्टर्स के द्वारा भी की गई है इस रिपोर्ट के अंदर। राइट, तो अभी टोटल तीन डेटा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर NSO लॉन्च करती है, उसमें से अभी दो डेटा उसने इस रिपोर्ट के अंदर लॉन्च किया है, तीसरा डेटा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कुछ ही दिनों के अंदर वो लॉन्च करेगी।
राइट। तो अभी ये रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, उसकी जो टर्म्स है वो आपको पता चल गई। ओके, तो अभी हम करंट न्यूज़ पढ़े कि इंडिया के अंदर ये क्वार्टर 3 ऑफ 2021 के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी थी, 8.7%। मतलब जितने भी लोग लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेबर फोर्स के अंदर थे, जितने भी लोग लेबर फोर्स के अंदर थे उसमें से 8.7% अनएम्प्लॉयड थे। मतलब उन्होंने अप्लाई किया था लेकिन उनको जॉब नहीं मिली थी, राइट। जो अगर हम प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर 3 2020 की बात करें, तब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी थी, 10.3%। अभी कितनी हुई है, 8.7%, मतलब इम्प्रूव हुआ है, राइट। और अगर हम जुलाई टू सितंबर मतलब क्वार्टर 2 ऑफ 2021 की बात करें, तब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी थी, 9.8%। तो आपको ये तीनों तीन चीज़ें याद रखनी है कि अभी रिसेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, क्वार्टर 3 2020 के अंदर कितनी थी, और क्वार्टर 2 ऑफ 2021 के अंदर कितनी थी। ये तीनों तीन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी मैंने बताया उसी तरह यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट का एक डेफिनेशन बताया हुआ है सेम, कि इस डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ द अनएम्प्लॉयड पर्सन इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स के अंदर जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, राइट। और लेबर फोर्स किसको बोलते हैं, लेबर फोर्स रिपोर्ट टू द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच सप्लाइज और ऑफर्स टू सप्लाई द लेबर और परस्यूइंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मैंने बोला ना कि या तो वो सप्लाई कर रहे हैं अपनी जॉब को, या तो फिर वो ऑफर्स ऑफर के लिए वेट कर रहे हैं, राइट, कोई ऑफर के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो दोनों लेबर फोर्स के अंदर आएंगे, राइट। ओके, अनइम्प्लीमेंटेड अगर मैं बात करूँ तो फीमेल्स के अंदर कितनी है, 10.5% क्वार्टर 3 2021 के अंदर। जो अक्टूबर से दिसंबर 2020 के अंदर की अगर हम बात करें तब अनइम्प्लीमेंटेड फीमेल्स के अंदर कितनी थी, 13.1%। और अगर हम क्वार्टर 2 2021 की बात करें तो अनइम्प्लीमेंटेड फीमेल्स के अंदर कितनी थी, 11.6%। मतलब अभी उनकी अनइम्प्लीमेंटेड के अंदर भी डिक्लाइन हुआ है, वो भी अच्छी बात है। मेल्स की अगर हम बात करें तो अनइम्प्लीमेंट रेट क्वार्टर 3 2021 के अंदर कितनी है, 8.3%, राइट। अगर हम सेम क्वार्टर की 2020 की अगर बात करें तब कितनी थी अनइम्प्लीमेंटेड, 9.5%, और क्वार्टर 2 2021 की बात करें तो कितनी, 9.3%। तो ये मेल फीमेल को सेपरेट किया है और ओवरऑल यहाँ पे मैंने लिखा है, राइट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में भी मैंने आपको बताया, ठीक है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्वार्टर 3 2021 के अंदर कितना रहा है, 47.3%, राइट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब कि कितने लोग पॉपुलेशन में से लेबर फोर्स के अंदर है, कितने लोग पॉपुलेशन में से लेबर फोर्स के अंदर है, तो 47.3% क्वार्टर 3 2021 के अंदर, जो अगर हम अक्टूबर से दिसंबर 2020 का कंपेयर करें तो सेम था, राइट। अक्टूबर से दिसंबर 2020 के अंदर भी 47.3% था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और अभी भी सेम है। और अगर हम अक्टूबर से दिसंबर अरे सॉरी क्वार्टर 2 2021 की अगर हम बात करें तब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना था, 46.9%। मतलब अभी ज़्यादा लोग लेबर फोर्स के अंदर है, राइट। तो क्वार्टर 3 2021 और अक्टूबर से दिसंबर 2020 की अगर हम बात करें, क्वार्टर 3 2020 दोनों के अंदर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो अनचेंज रहा है, 47.3%, लेकिन क्वार्टर 2 2021 के अंदर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना रहा है, 46.9%। तो ये इतना डेटा ओरिएंटेड न्यूज़ है, वो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। ओके, अगर हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें तो ये एक रिपोर्ट है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। कब से ये लॉन्च किया गया, 2017 से, राइट। 2017 से हर साल 4 बार 4 क्वार्टर का, क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे NSO के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी तक 12 पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे लॉन्च किया है, ये 13 पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, राइट। और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर कौन कौन से डेटा लॉन्च किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और वो सभी एक मेथड है, ये सभी एक मेथड के ऊपर वो ये तीनों डेटा लॉन्च करती है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। और वो कौन सी मेथड के ऊपर ये डेटा लॉन्च करती है, करंट वीक स्टेटस, करंट वीक स्टेटस, राइट। करंट वीक स्टेटस क्या है कि ये एक्चुअली नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस जब ये सर्वे करती है ना, फॉर एग्जांपल आज है, वो कोई भी एक डेट ले लो कि 31 मई है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक डेट ले लेते हैं हम कि 31 मई को ये लेबर फोर्स पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे किया गया नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा 31 मई को कोई भी एक कंपनी के अंदर, राइट। तो वो कौन सा डेटा को एज अ रेफरेंस मानेगी कि उसने 31 मई को सर्वे किया है ना, तो 25 से लेके
31 मई, 25 से लेके 31 मई, इस प्रीवियस 7 दिन को एज अ रेफरेंस डेटा मानेगी। ये 7 दिन के अंदर जिसका भी नाम कंपनी के रजिस्टर रजिस्टर के अंदर होगा एज अ एम्प्लॉयड पर्सन, चाहे फिर उसने रिजाइन रख लिया हो, चाहे फिर उसने नई जॉब अभी ली हो, तो इस 7 दिन के अंदर जो भी कंपनी के अंदर काम कर रहा होगा या फिर किसी ने अप्लाई किया होगा, तो ये लेबर फोर्स के अंदर में आएगा। अगर उसने जस्ट कोई पर्सन ने जस्ट 7 दिन से जस्ट पहले, मतलब 24 मई को रिजाइन रखा है, रिजाइन और उसने कंपनी को छोड़ा है, और तो भी उसका नाम अनएम्प्लॉयड में ही आएगा, राइट? ओके, तो मतलब ये 7 दिन के रेफरेंस के अंदर वो पूरा डेटा निकालती है। इसके लिए उसकी ये मेथोडोलॉजी को क्या बोलते हैं, करंट वीक स्टेटस, राइट? तो यस, आपको ये पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी। अगर हम NSO की बात करें तो NSO मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंफॉर्मेशन के अंदर में आता है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर, उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक MOU साइन किया है एसोसिएशन फॉर द वॉलेंटरी एक्शन। एसोसिएशन फॉर द वॉलेंटरी एक्शन किसके लिए MOU साइन किया है, फॉर द ट्रैफिकिंग फ्री इंडिया। ट्रैफिकिंग फ्री इंडिया के लिए अभी रिसेंटली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने MOU साइन किया है एसोसिएशन फॉर द वॉलेंटरी एक्शन। एसोसिएशन फॉर द वॉलेंटरी एक्शन को बचपन बचाओ आंदोलन भी बोला जाता है। ये बचपन बचाओ आंदोलन, ये जो एसोसिएशन फॉर द वॉलेंटरी एक्शन है ना, वो एक किसके साथ एसोसिएटेड है, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के साथ। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के साथ ये संस्था एसोसिएटेड है, राइट? अभी इन दोनों के बीच में MOU क्यों साइन हुआ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और एसोसिएशन फॉर द वॉलेंटरी एक्शन के बीच में MOU क्यों साइन, यह हम उसके बारे में बात करें, राइट? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स दो इनिशिएटिव्स के ऊपर काम कर रही है, एक तो है ऑपरेशन आहट, एक है ऑपरेशन आहट, और एक दूसरा है ऑपरेशन नन्हे परिश्ते, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, राइट? ये दो इनिशिएटिव के ऊपर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स काम कर रही है। इन दोनों इनिशिएटिव्स का मेन उद्देश्य यह है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, खास करके जो चिल्ड्रन का, राइट, किडनैपिंग वगैरह जो होती है, उनका जो शोषण वगैरह होता है, तो उनको कम किया जाए, उनको एलिमिनेट किया जाए, राइट? तो ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट का फुल फॉर्म है एक्शन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये दोनों इनिशिएटिव रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। अब तो ये दोनों इनिशिएटिव्स की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको और मजबूत बनाने के लिए, राइट, उनकी ये जो एक्टिविटीज़ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने की, उनकी ये कैपेबिलिटीज़ को और मजबूत बनाने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एसोसिएशन फॉर द वॉलेंटरी एक्शन के साथ पार्टनरशिप की, बचपन बचाओ आंदोलन के साथ पार्टनरशिप की, राइट? तो उसका मेन पर्पस ये है कि रेलवे का जो ये दो इनिशिएटिव है उसके जो उनमें जो वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, वो और मजबूत बन पाए, राइट? तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑपरेशन आहट किसका इनिशिएटिव है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसका इनिशिएटिव है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, दोनों ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ये इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, राइट? और एसोसिएशन फॉर द वॉलेंटरी एक्शन का दूसरा नाम बचपन बचाओ आंदोलन है, वो कौन सी संस्था से एसोसिएटेड है, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के साथ, राइट? ओके, अगर हम एफर्ट्स की बात करें कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट कौन कौन से एफर्ट्स लगा रहा है, तो मैंने आपको बात किया कि एक तो उसका ऑपरेशन आहट चल रहा है, दूसरा एक ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते 2018 के अंदर उसने लॉन्च किया था। उसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स भी बहुत सारी जगह पे एस्टैब्लिश किए हैं। टोटल 740 लोकेशन के ऊपर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एस्टैब्लिश किए हैं विद द गोल ऑफ कॉम्बेटिंग द ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन कोलाबोरेशन विद द अदर एजेंसीज। अलग अलग एजेंसी के साथ पार्टनरशिप करके 740 लोकेशन के ऊपर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एस्टैब्लिश किए हैं। ठीक, इसकी ये सभी एक्टिविटीज़ के अंदर उसके कैपेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए उसने इस संस्था के साथ पार्टनरशिप किए हैं, राइट? तो अभी अगर कैलाश सत्यार्थी की अगर बात करें, जिनकी साथ ये एसोसिएटेड है एक संस्था एसोसिएशन फॉर द वॉलेंटरी एक्शन, तो कैलाश सत्यार्थी नोबल पीस प्राइज जीत चुके 2014 के अंदर,
जॉइंटली विद द मलाला यूसुफजई ऑफ द पाकिस्तान। इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज मिला था 2014 के अंदर, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल किया था अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ द ऑल चिल्ड्रन टू द एजुकेशन। उन्होंने इनके लिए काम किया था, इसके लिए उन्होंने उनको नोबेल पीस प्राइज 2014 के अंदर यूसुफजई, मलाला और पहला सत्यार्थी को ये नोबेल पीस प्राइज मिला था, राइट। और अगर हम एसोसिएशन फॉर द वॉलंटरी एक्शन की बात करूँ, इट इज़ अ मिशन इज टू एंड ऑल टाइप ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन एंड टू बिल्ड द सोसाइटी वेयर ऑल द चिल्ड्रंस आर फ्री, सेफ एंड हेल्थी एंड रिसीव द क्वालिटी एजुकेशन, राइट। एक मिशन है ये संस्था, एक मिशन है, राइट। और फाउंडर की बात करें तो कौन है, नोबल लॉरेट मिस्टर कैलाश सत्यार्थी। तो आई थिंक आपको न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी इंडियन नेवी प्लान कर रही है टू एक्वायर जीसेट टू सेटेलाइट को एक्वायर करने की टू बूस्ट द कैपेसिटी इन द इंडियन ओशन रीजन, राइट। देखो आपको हेडलाइन पढ़ के न्यूज़ समझ में नहीं आई होगी, तो हम उसको डिटेल में समझते हैं कि क्या प्लानिंग है इंडियन नेवी का, राइट। सबसे पहले तो मैं जीसेट 2 की बात करूँ। जीसेट 2 का फुल फॉर्म क्या है, जियो इमेजिंग सेटेलाइट 2, राइट। जियो इमेजिंग सेटेलाइट 2, ये सेटेलाइट कौन से व्हीकल के ऊपर से लॉन्च किया जाने वाला है, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV-F12। जियो सिंक्रोनस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV-F12 के ये एक लॉन्च व्हीकल है, ये व्हीकल के ऊपर से ये GSAT-2 लॉन्च किया जाने वाला है। GSAT-2 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 05 भी बोला जाएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 05, राइट। अभी अगर मैं GSAT-2 की बात करूँ तो कौन सी ऑर्बिट के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के ऊपर ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाने वाला है। अभी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की अगर मैं बात करूँ कि ये एक हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, राइट। अर्थ के अराउंड 35,000 किलोमीटर के आसपास, 35,000 किलोमीटर के आसपास एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट को क्या बोला जाता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों बोला जाता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितने भी सेटेलाइट इस ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं, राइट, इस ऑर्बिट के ऊपर जितने भी सेटेलाइट घूम रहे हैं, उन सेटेलाइट की स्पीड अपनी खुद की एक्सिस के अराउंड जितनी स्पीड से अर्थ घूम रहा है ना, कितनी स्पीड से घूम रहा है अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड, एक रिवॉल्यूशन कितने घंटे में कंप्लीट कर रहा है, 23 आवर्स एंड 56 मिनट। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड एक रिवॉल्यूशन 23 आवर्स और 56 मिनट में कंप्लीट करता है। तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जितनी भी सैटेलाइट्स घूम रहे हैं ना, उनकी भी स्पीड, उनकी भी ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने की जो टाइम लिमिट है वो भी सेम है, 23 आवर 56 मिनट। तो उसका फ़ायदा क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्थ की इस सरफेस के ऊपर खड़ा रह के अगर मैं ये सैटेलाइट को देखता हूँ, ये वाला सैटेलाइट को देखता हूँ इस सरफेस के ऊपर खड़ा रह के, अर्थ के ऊपर मेरी जगह और ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट की जगह दोनों की स्पीड सेम है, अर्थ के रिवोल्यूशन की स्पीड भी सेम है और ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट की रिवोल्यूशन की स्पीड भी सेम है, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के लिए सेम स्पीड से घूमते हैं, तब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के लिए स्टेटिक बन जाते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के लिए स्टेटिक बन जाते हैं। अब अपना ही एग्जांपल लीजिए ना, फॉर एग्जांपल आपके बाइक की भी स्पीड 50 किलोमीटर आवर है, आपके जो बाजू में चलता है उसकी बाइक की स्पीड भी 50 किलोमीटर आवर है, दोनों की स्पीड सेम है, तो आपको क्या लगता है कि आप दोनों एक जगह पे खड़े ही हो, राइट। मतलब आपकी दोनों एक दूसरे के लिए स्टेटिक बन जाते हो, तो सेम यहाँ पे होता है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि मैं कभी भी फॉर एग्जाम्पल मुझे इस सेटेलाइट की मदद से अर्थ के ये रीजन का ऑब्जर्वेशन करना है, तो मैं कभी भी इस रीजन का ऑब्जर्वेशन इस सेटेलाइट की मदद से कर सकता हूँ, क्योंकि इस सेटेलाइट के लिए ये वाला जो रीजन है वो कभी भी डिफरेंट नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। टाइम के हर एक पड़ाव के ऊपर ये सैटेलाइट के एग्जैक्टली सामने ही उसको जो मॉनिटर करना है वो रीजन एग्जैक्टली सामने ही रहेगा, राइट। टाइम के कोई भी पड़ाव के ऊपर आप देखो, ठीक है। तो इसके लिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है,
इसके लिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसके अंदर जितने भी सैटेलाइट्स घूमते हैं उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है कि अर्थ के ऊपर रियल टाइम इमेजिंग को कैप्चर करने के लिए, अर्थ के ऊपर रियल टाइम इमेजिंग को कैप्चर करने के लिए, राइट। तो ये GSLV एप्टेबल की मदद से एक GSAT-2 जियो इमेजिंग सैटेलाइट 2 या तो फिर उसका दूसरा नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 05 लॉन्च किए जाने वाला है। तो ये जो सैटेलाइट है GSAT-2 वो कौन एक्वायर करने वाला है? इंडियन नेवी, क्योंकि उसको कौन से रीजन का मॉनिटरिंग करना है? उसको मॉनिटरिंग करना है इंडियन ओशन रीजन का, इंडियन ओशन रीजन का मॉनिटरिंग करना है। तो कंटिन्यूअसली इंडियन ओशन रीजन के ऊपर मॉनिटर करने के लिए GSAT-2 लॉन्च किया जाएगा, और वो कौन एक्वायर करेगी? इंडियन नेवी, राइट। ओके, तो GSAT-2 है तो GSAT-1 भी लॉन्च हुआ होगा। GSAT-1 लॉन्च हुआ था उसका दूसरा नाम था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03, वो 2021 के अंदर लॉन्च हुआ था लेकिन वो ऑर्बिट के अंदर नहीं जा पाया था क्योंकि उसकी जो व्हीकल है जिसके ऊपर से उसको लॉन्च किया गया GSLV-F10, GSLV-F10 उसके अंदर कुछ खराबी आ गई थी तो वो ऑर्बिट के अंदर नहीं जा पाया था, राइट। लेकिन GSAT-2 अभी लॉन्च किया जाने वाला है। GSAT-2 कौन से व्हीकल से ऊपर से लॉन्च किया जाएगा? GSLV-F12 के ऊपर से, राइट। तो आपको आई थिंक पूरा न्यूज़ समझ में आया होगा कि किसके द्वारा क्यों, कौन से रीजन के ऊपर मॉनिटर करने के लिए, और क्यों जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के ऊपर जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो इमेजेस कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो सैटेलाइट्स के लिए अर्थ के सरफेस वाले हर एक चीज़ स्टेटिक होती है, कभी भी चेंज नहीं होती है, राइट। ओके, अभी हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वो अभी जस्ट हुआ था, उसका रिजल्ट आ गया है और उसको किसने जीता है, ओवरऑल चैम्पियन कौन है? जैन यूनिवर्सिटी। चलो अभी हम इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में देखें तो अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? कर्नाटका गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड जैन यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु कर्नाटका से बिलोंग करती है, ये तीन संस्था के द्वारा, कर्नाटका गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा ये पूरा टूर्नामेंट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एस्टेब्लिश किया गया था। 2021 का एडिशन था जो कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, और ये सेकेंड एडिशन है, कि जो कर्नाटका के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। आपका होमवर्क रहेगा कि फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कौन से स्टेट के अंदर और कौन से सिटी के अंदर हुआ था, वो आपका होमवर्क रहेगा, राइट। ओके, ये पूरा जो टूर्नामेंट है उसका मॉस्कॉट क्या रहा था, मतलब एक एक बोलते हैं ना एक वर्ड कि जो पूरे टूर्नामेंट को डिस्क्राइब करे, तो उसका मॉस्कॉट था वीरा, राइट। उसके लोगों की बात करें, लोगो ऑफ द खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स फीचर्स द आइकॉनिक विधाना सुधा बिल्डिंग, द लेजिस्लेटिव हाउस इन द बेंगलुरु, वो पूरे टूर्नामेंट का एक लोगो था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो क्या था कि जो लेजिस्लेटिव हाउस है बेंगलुरु के अंदर उसका नाम है विधाना सुधा बिल्डिंग, वो एक लोगो था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। ये जो सेकंड एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, वो किसने जीता? जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया, क्योंकि उन्होंने 20 गोल्ड, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा 20 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए। टोटल कितने मेडल जीते गए? 32। कितने मेडल जीते गए? टोटल 32 जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा टोटल 32 मेडल जीते गए, राइट। और सेकंड नंबर पे कौन है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब से बिलोंग करती है, उन्होंने कितने मेडल जीते? 17 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल, राइट। तो ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा ओवरऑल मेडल ज़्यादा है, टोटल आप देख सकते हो कि 51 मेडल्स है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ओवरऑल मेडल की अगर मैं बात करूं। लेकिन गोल्ड मेडल किसने जीता है? सबसे ज़्यादा जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो मतलब ओवरऑल विजेता कौन बनेगा? जैन यूनिवर्सिटी, राइट। ओके, तो अगर हम मेडल की बात करें, सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता है? तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब से बिलोंग करती है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे ओवरऑल विनर कौन है? जैन यूनिवर्सिटी, राइट। दोनों के गोल्ड की आप डेटा याद रखना, राइट। ओके, ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुई थी सेकेंड एडिशन, उसके पीछे टोटल 52 करोड़ का फंडिंग किया गया था। उस पर 35 करोड़ किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, राइट। अभी मैंने जैसे आपको बात की सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU के द्वारा 51 मेडल जीते, राइट। एंड द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन से स्टेडियम पे हुआ था? श्री कांतिवीरा आउटडोर स्टेडियम जो कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर, और वहाँ पे चीफ गेस्ट कौन थे? यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। एंड ये जो इवेंट के अंदर जो भी जीतता है
ये इवेंट एक्चुअली क्वालिफायर की तरह काम करती है, किसके लिए? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हेल्ड होने वाला है? चेंगडू चाइना के अंदर। चेंगडू चाइना के अंदर जून महीने के अंदर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाला है, तो उस गेम्स के लिए क्वालिफायर इवेंट की तरह ये पूरा टूर्नामेंट काम कर रहा था कि जो भी कोई अच्छा काम करेगा वो डायरेक्टली क्वालिफाई होगा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कहाँ पे खेली जाने वाली है? चेंगडू चाइना के अंदर, राइट? ओके। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर मैं बात करूँ कि ये एक्चुअली क्यों खेला जाता है, कि इट्स इंटेंस इज टू आइडेंटिफाई एंड ट्रेन द कैपेबल एथलीट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25 ईयर्स फॉर द ओलंपिक्स एंड द एशियन गेम्स, के जो भी कैपेबल एथलीट्स हैं उनको ट्रेन करना, उनको आइडेंटिफाई करना ही इस टूर्नामेंट का मेन मोटिव है। और कौन सी एज ग्रुप का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर कौन सी एज वाले लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 18 से 25 साल वाले, और उनको ओलंपिक्स और एशियन गेम्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है, राइट? तो ये पूरी इवेंट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा और जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो कौन है यूनियन मिनिस्टर? अनुराग सिंह ठाकुर। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? नीतीश प्रमाणी, राइट? तो आपको ये पूरी जो डेटा ओरिएंटेड न्यूज़ थी, इतना टफ डेटा नहीं था लेकिन आपको ये पूरा डेटा याद रखना पड़ेगा। ओके ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली 3 इम्पोर्टेंट योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये तीनों ने 7 साल कंप्लीट किए, उनकी 7th एनिवर्सरी थी, इसके लिए वो तीनों अभी रिसेंट न्यूज़ के अंदर है। तो इन तीनों स्कीम के अंदर हम डिटेल में अगर हम चर्चा करें तो कि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना ने 7 साल कंप्लीट किए हैं फॉर द सोशल सिक्योरिटी नेट के, राइट? ये तीनों लॉन्च कब की गई थी? 2015 के अंदर। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, राइट? और अगर मैं तीनों स्कीम की अगर सेपरेटली बात करूँ, सबसे पहले बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो रिन्यूएबल है फ्रॉम ईयर टू ईयर, ऑफरिंग द कवरेज फॉर द डेथ ड्यू टू द एनी रीज़न। आपकी कोई भी वजह से आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके नॉमिनी को यहाँ पे पैसा मिलता है इस स्कीम के अंडर में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, और वो रिन्यूएबल है ईयर टू ईयर। यहाँ पे आप कब अप्लाई कर सकते हो इस स्कीम के अंडर में? तो अगर आप 18 से 50 साल के अंदर आपकी एज है और आपका अकाउंट है एज अ सेविंग बैंक अकाउंट और द पोस्ट ऑफिस अकाउंट, राइट? आपका अकाउंट होना चाहिए या तो कोई भी बैंक में एज अ सेविंग अकाउंट या तो पोस्ट ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए, और आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? 18 से 50 साल की, तब आप ये स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हो, राइट? और अगर कोई पर्सन 50 साल के अंदर एग्जैक्टली मतलब 48 या 49 साल के आसपास अगर कोई पर्सन एनरोल करता है तो उनको 55 साल तक भी यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस मिल सकता है एक्सटेंड करके, राइट? लाइफ कवर कितना मिलता है? 2 लाख रुपये का। और कब मिलेगा? डेथ ड्यू टू द एनी रीज़न अगेंस्ट अ प्रीमियम, प्रीमियम कितना है यहाँ पे? 330 रुपीज़ पर एनम। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम एक साल का कितना होता है? 330 रुपीज़। उसके सामने आपको 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। आपकी एज लिमिट 18 से 50 साल की होनी चाहिए, वो एक्सटेंड करके 55 साल भी की जा सकती है अगर आपने एकदम एंड पीरियड के अंदर एनरोल किया है तो, राइट? और ये एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो रिन्यूएबल है ईयर टू ईयर। ओके, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अगर मैं बात करूँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, वो भी है रिन्यूएबल फ्रॉम द ईयर टू ईयर, और ये कवरिंग द डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू द एक्सीडेंट। वो किसको कवर करती है? डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू द एक्सीडेंट। जो लास्ट वाली जो स्कीम थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें अगर आपकी डेथ कोई भी रीजन से हो जाती है आपके नॉमिनी को पैसा मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुई या तो फिर आपको डिसेबिलिटी हुई तभी आपकी नॉमिनी को पैसा मिलेगा। इस स्कीम के अंदर आप कब अप्लाई कर सकते हो? अगर आपकी एज लिमिट है 18 से 70 साल की, अगर आपकी एज लिमिट है 18 से 70 साल की, और अगर आपका अकाउंट है बैंक में एज अ सेविंग अकाउंट या तो फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट है तभी आप इस स्कीम के अंदर अवेल कर सकते हो, राइट? और यहाँ पे 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलता है अगर आपकी डेथ हो गई ड्यू टू द एक्सीडेंट, और अगर आप पार्शियल डिसेबल हो गए हो तो आपको कितना आपके नॉमिनी को मिलेगा? 1 लाख रुपये, राइट? तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना थी, राइट?
अभी मैं अटल पेंशन योजना की बात करूं, अटल पेंशन योजना एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड द कवर फ्यूचर एग्जिजेंसीज फॉर द पीपल इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आप सबको पता ही है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं, अभी दो टाइप के सेक्टर होते हैं, एक तो ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज, दो टाइप के सेक्टर होते हैं, राइट। ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको बोलते हैं कि जिसमें आपकी सैलरी में से कुछ ना कुछ कटता है, ईपीएफओ, जीपीएफओ, अगर आप कोई कंपनी में अंदर काम करते हो, आपको इंश्योरेंस मिलता है, राइट। तो आप ये अगर आपकी सैलरी में से कुछ कटता है, आपको कोई इंश्योरेंस की बेनिफिट मिलते हैं, राइट, तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करें क्योंकि आपका डेटा गवर्नमेंट के पास है। लेकिन अगर आपकी सैलरी में से कुछ कटता नहीं है, आपका जो जितना भी सैलरी आप इन हैंड आता है या फिर आप डेली बेसिस के ऊपर काम करते हो, तो आप कौन से सेक्टर के अंदर काम करते हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हो। तो अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हो तो आपको पेंशन मिलेगा, राइट, क्योंकि ईपीएफ कटता है, जीपीएफ कटता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आप 2004 से पहले आपने जॉब ली है तो आपको पेंशन भी मिलेगा, राइट। और अगर 2004 से बाद में आपने जॉब ली है तो आपका जीपीएफ वगैरह कटता होगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हो तो आप ईपीएफ वगैरह कटता होगा, राइट। लेकिन आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो आपका जितना भी सैलरी है वो आपका इन हैंड आ रहा है, आप फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर रहे हो तो आपको पेंशन भी नहीं मिलने वाला। तब आपकी ये फ्यूचर एग्जिजेंसीज को ये स्कीम के अंडर में कवर किया जाता है। कौन सी स्कीम के अंडर में? अटल पेंशन योजना के अंदर में कवर किया जाता है, राइट। और ये जो योजना है उसको एडमिनिस्टर कौन करती है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये संस्था के द्वारा ये योजना को एडमिनिस्टर किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये जो पूरी योजना है वो नेशनल पेंशन सिस्टम, जो अभी पूरी इंडिया के अंदर जो पेंशन सिस्टम चल रही है कि आपके सैलरी में से कुछ कुछ अमाउंट काट के कोई स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, आप जो चाहो स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा और फिर उस आपके रिटायरमेंट के टाइम पे वही पैसा आपको दिया जाएगा, राइट। तो उसी आर्किटेक्चर के ऊपर ये योजना भी काम करती है कि यहाँ पे आपके आपके पास से ही प्रीमियम लेके आप जब रिटायर होगे, 60 साल की आपकी एज होगी, तब आपको पेंशन दिया जाएगा, राइट। आपकी एज लिमिट कितनी है तो आप इस स्कीम के अंडर में अवेल हो सकते हो? आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 40 साल की, 18 से 40 साल की, राइट। और क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? तो आपको पेंशन मिलेगा कितना, मिनिमम 1,000 से लेके मैक्सिमम कितना, 5,000, वो आप कितना प्रीमियम पे करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और ये पेंशन कब मिलेगा? आफ्टर एज ऑफ द 60 साल, 60 साल के बाद आपको ये पेंशन मिलेगा, राइट। तो एलिजिबिलिटी तीनों तीन योजना की, एज की रेंज आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट, तीनों तीन के बेनिफिट्स आपको याद रखने पड़ेंगे और उनके क्या क्या किस पर्पज़ से उनको यूज़ किया गया है, लॉन्च किया गया है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये न्यूज़ के बारे में समझ में आया होगा, तीनों तीन स्कीम के बारे में समझ में आया होगा और तीनों तीन स्कीम रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि उन्होंने 7 साल कंप्लीट किया, 2015 में वो लॉन्च की गई थी, 2022 के अंदर उनके 7 साल कंप्लीट हुए। ओके, चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया गया, उस पोर्टल का नाम क्या है? CAPF पुनर्वास। कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, राइट। और ये पोर्टल के द्वारा क्या किया जाएगा वो हम डिटेल के अंदर देखते हैं कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, CAPF पुनर्वास, राइट, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सनल बिलोंगिंग टू द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, CAPF का फुल फॉर्म है, लाइक द CRPF एंड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीकिंग द री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर देयर रिटायरमेंट, राइट। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की अगर मैं बात करूँ CAPF की, तो CAPF के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ITBP, राइट, आसाम राइफल्स, ये सब अलग अलग मिलिट्री के ग्रुप है, राइट, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, राइट, ये सभी CAPF के अंडर में काम करते हैं, CAPF के अंडर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। जो ये CAPF कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में काम करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, उसका नाम है CAPF पुनर्वास। ये पोर्टल के ऊपर ये CAPF के अंडर में जितनी भी सब कैटेगरीज है
उनके जो रिटायर्ड पर्सनल्स हैं, अगर उनको री इम्प्लॉयमेंट चाहिए, री इम्प्लॉयमेंट उनको आर्मी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन री इम्प्लॉयमेंट कहाँ पे मिलेगा? प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर उनको री इम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये जो पोर्टल होगा ना, CAPF पुनर्वास, ये CAPF पुनर्वास के ऊपर कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी PSA वो रजिस्टर्ड होगी। तो अगर आप ये रजिस्टर्ड प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो CAPF पुनर्वास के ऊपर रजिस्टर्ड है, उस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर अगर कोई भी रिटायर्ड पर्सनल को री इम्प्लॉयमेंट करना है तो इस पोर्टल के थ्रू, CAPF पुनर्वास पोर्टल के थ्रू कर सकता है, राइट। तो ये मतलब जो रिटायर्ड पर्सनल है CAPF के, उनको री इम्प्लीमेंट दिलाने के लिए ये पोर्टल पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके लिए उन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के साथ, और कौन से एक्ट के अंडर में? प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट, मतलब ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो एक्ट के अंदर रेगुलेट होती है उसको, और ये जो CAPF पुनर्वास पोर्टल को एक लिंक किया गया है, तो जितनी भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी वो CAPF पुनर्वास से रिटायर्ड पर्सनस को कोई ना कोई काम के ऊपर वो इम्प्लॉय कर सकता है, राइट। तो अभी CAPF पुनर्वास पोर्टल कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, किसके लिए लॉन्च किया गया, उसके लिए उसने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो ये दो तीन क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, राइट। ओके, तो अभी हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नीति आयोग के द्वारा एक पार्टनरशिप की गई है। क्यों? कि वो लोग फोकस करना चाहते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की जो बेनिफिट कर सके हैं, बेनिफिट्स कर सके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। अगर हम इस न्यूज़ के अंदर डिटेल के अंदर बात करें कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंडिया थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के द्वारा पार्टनरशिप की गई। क्यों? टू यूटिलाइजिंग द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन एंड ड्रोन टू बेनिफिट द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड बूस्ट देयर इकोनॉमीज, राइट। कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को मदद कर सके और उनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। अभी वो किस तरीके से कर सके वो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको पता हो तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एस्टेब्लिश किया गया था 2018 के अंदर। ये सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या करता है कि वो एग्रीकल्चर, हेल्थ, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन स्पेस एंड एनवायरनमेंट, ये जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उस इम्पोर्टेंट सेक्टर के अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को किस तरीके से डेवलप किया जाए, किस तरीके से उनका यूज़ करके ये सेक्टर के अंदर बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सिंप्लीफाई किया जाए, उसके ऊपर फोकस करती है ये सेंटर। ये सेंटर क्या करता है कि जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है ग्रोथ के लिए, उनके अंदर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन वगैरह, उनका मैक्सिमम यूज़ करवाने के लिए प्रमोट करता है, राइट। उनको जो भी जो काम है इस सेक्टर के अंदर, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो हर्डल्स आते हैं, उनको किस तरीके से ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की मदद से हम सिंप्लीफाई कर सके उसके ऊपर काम करता है ये सेंटर, राइट। तो जब वो 2018 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, उसके बाद उसने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए और उनका यूज़ करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर, राइट। तो उसमें सबसे पहला यूज़ है कि 2020 के अंदर, हम अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ कि 2020 के अंदर एक प्रोजेक्ट सगु बगु पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तेलंगाना के अंदर, इस सेंटर के द्वारा। कौन से सेंटर के द्वारा? सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के द्वारा, जो किसकी तरह बनाई गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, राइट। तो 2020 के अंदर एक सगु बगु पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? ये सेंटर के द्वारा, कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर। ये पायलट प्रोजेक्ट के अंदर क्या था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया था किसके कल्टीवेशन के लिए? चिल्ली और ग्राउंड नट के, चिल्ली और ग्राउंड नट के कल्टीवेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया था इस सेंटर के द्वारा, इस प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। उसके अलावा टर्मेरिक प्रोजेक्ट की जो मेघालय के अंदर लॉन्च किया गया था, वहाँ पे उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया था। उसके अलावा एक डेटा प्लेटफॉर्म भी इस सेंटर के द्वारा बनाया गया है कर्नाटका के अंदर, उस डेटा प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? फ्रूट फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे जितने भी फार्मर रजिस्टर्ड इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, डेटा प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस सभी फार्मर्स को
कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करनी है, लाइक कि फ्लड आने वाला है तो उनको कैसे अपने क्रॉप को मैनेज करना चाहिए, राइट, कोई गवर्नमेंट स्कीम के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, तो सभी ये प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको मिल जाती है। तो ये प्लेटफॉर्म किसने बनाया है, ये संस्था के द्वारा, और ये संस्था ने बहुत सारे एजेंसीज के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी किए हैं, और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके उन्होंने फूड इनोवेशन क्लस्टर भी बनाया है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स केवल एग्रीकल्चर के अंदर ही नहीं लेकिन बहुत सारे सेक्टर के अंदर इस संस्था के द्वारा 2018 के बाद लिए गए हैं, राइट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑलरेडी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को यूज़ करने के लिए एफर्ट डाल रही है, तो अभी उसने अपने एफर्ट को और कैपेबल बनाने के लिए और बूस्ट करने के लिए अभी उसने किसके साथ पार्टनरशिप की, नीति आयोग के साथ पार्टनरशिप की, बस जस्ट सिंपल इतनी ही न्यूज़ है, राइट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को क्या लगता है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्यों इतने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? तो चैलेंज नंबर वन है कि उनको एक तो इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी मतलब उनको बैंक लोन नहीं देती क्योंकि उनके पास लैंड होल्डिंग कम है, तो बैंक भी उनको उनके ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं लेती। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग अगर हम इस तरीके की स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन देने के लिए बैंक को किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं कि हम बैंक को इंश्योरेंस प्रोवाइड करें कि भाई अगर वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर आपको आपका लोन रिपेमेंट नहीं करेगा तो मैं आपका लोन रिपेमेंट करूँगा। तो अगर बैंक को इस तरीके का इंश्योरेंस मिल जाए तो बैंक को वो लोग को क्रेडिट देगी, राइट। तो मतलब हमको बैंक को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए। सेकेंड है सस्टेनेबिलिटी, कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या करते हैं कि उनको क्या डर रहता है कि कभी भी फ्लड आ सकता है, कभी भी ज़्यादा बारिश आ सकती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की मदद से कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बचा है अभी कि अभी इसी सीजन में बारिश आएगी, कभी भी आ सकती है, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, तो अपने क्रॉप को जल्दी से ग्रो करने के लिए एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनका जो क्रॉप है वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं रहता, राइट। ओके, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सजेशन देती है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें कि जो क्रॉप है वो रेजिलिएंट, क्लाइमेट रेजिलिएंट वो लोग प्रोड्यूस कर सकें, कि ऐसी टेक्नोलॉजीज प्रदान करें कि उनका जो क्रॉप है वो ज़्यादा सस्टेनेबल रहे, राइट। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि एफिशिएंसी, कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स जो भी क्रॉप उगाते हैं उसमें से 40% तो वेस्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो सेल ही नहीं कर पाते, उनके पास इतना मार्केट प्लेस ही नहीं है, उनके पास अपने प्रोडक्ट को बेचने का मार्केट प्लेस ही नहीं बचा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सजेस्ट करता है कि अगर हम उनको मार्केट प्लेस प्रोवाइड करें, अगर हम उनके चीज़ों को प्रमोट करें, तो उनकी ये जो एफिशिएंसी की जो वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम कि वो अपने 40% चीज़ों को तो उनको वेस्ट करना पड़ता है क्योंकि वो सेल नहीं होती, राइट, तो वो भी दूर कर सकते हैं। तो ये तीन मेन प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू बेनिफिट द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इसके लिए उसने नीति आयोग के साथ पार्टनरशिप की है कि हम इन तीन प्रॉब्लम को किस तरीके से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व कर सके, राइट। तो आई थिंक आपको ये न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर मैं बात करूँ तो उसके चेयरमैन है क्लोज स्क्वेयर, उसके हेडक्वार्टर है कॉलोनी जिनियो सिडनी के अंदर, और एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1971 के अंदर, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रेलटेल एक मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर, उसने अभी लॉन्च किया है पीएम वाणी का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस बेस्ड एक्सेस टू इट्स वाईफाई कितने रेलवे स्टेशन के ऊपर, 100 रेलवे स्टेशन को वाईफाई एक्सेस प्रोवाइड करेगी रेलटेल, कौन सी स्कीम के अंदर में, पीएम वाणी। देखो अभी मैं पूरी स्कीम के अंदर आपको मैं समझाऊँ पीएम वाणी स्कीम क्या है। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी, उसमें सबसे पहला पॉइंट है पब्लिक डेटा ऑफिसर्स PDO, जिसको बोलते हैं PDO, ये मैं पूरा मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ। फिर उनको रेगुलेट करते हैं पब्लिक डेटा ऑफिसर्स एग्रीगेटर्स PDOA और एक ऐप प्रोवाइडर, ये तीन लोग पिक्चर के अंदर होते हैं पूरी स्कीम के अंदर में, ऐप प्रोवाइडर, राइट। पीएम वाणी स्कीम के अंदर में प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये पूरी स्कीम के अंदर में ये तीन
संस्था, संस्था बोल सकते हो आप, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो आप, पर्सन बोल सकते हो, राइट। ये तीन लोग ये इन्वॉल्व होते हैं, राइट। अभी पीएम वाणी, वाईफाई एक्सेस का मतलब फ्री वाईफाई देना नहीं, आपको वाईफाई का एक्सेस करवाना। वाईफाई का एक्सेस कैसे हो सकता है कि अगर हॉटस्पॉट हो, वाईफाई हॉटस्पॉट होगा तभी आप उसको एक्सेस कर पाओगे ना। अगर आपके रेंज के अंदर वाईफाई हॉटस्पॉट हो, फॉर एग्जांपल आपको घर में अपने मॉडेम डलवाया है, अपने डिवाइस डलवाया है वाईफाई को एक्सेस करने के लिए, राइट, तो तभी आप नेट को यूज़ कर पा रहे हो ना। ओके, तो उसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ किया गया है कि अगर आप रेलवे स्टेशन के ऊपर गए, बस स्टेशन के ऊपर गए, तब तो आप मॉडेम आपके पास नहीं है, आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क बराबर नहीं आ रहा है, तब आप अगर आपको नेट का यूज़ करना है कोई ना कोई पर्पज़ से, तो आप कैसे कर पाओगे। तो यहाँ पे आपके लिए हॉटस्पॉट क्रिएट किए जाते हैं, इस स्कीम के अंदर में आपके लिए हॉटस्पॉट क्रिएट किए जाते हैं। ये हॉटस्पॉट के थ्रू आपको नेट मिलता है, राइट, समझ में आया। ओके, मतलब वाईफाई का एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो ये वाईफाई का एक्सेस कौन प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये पब्लिक डेटा ऑफिसर्स, पब्लिक डेटा ऑफिसर्स जिसको बोलते हैं पीडीओ, ये पब्लिक डेटा ऑफिसर्स और कोई नहीं कि बहुत सारे किराना स्टोर्स वाले, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर, बहुत सारे स्टेशंस के अंदर, तो ये पीडीओ अपॉइंट किए जाते हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पीडीओ क्या करेंगे कि जैसे आपने घर पे वाईफाई को एक्सेस करने के लिए मॉडेम लगवाया है, राउटर लगवाया है, उसी तरह ये पीडीओ पब्लिक डेटा ऑफिसर्स मॉडेम लगवाएंगे, राउटर लगवाएंगे और वो नेट को परचेस करेंगे, इन द सेंस नेट को परचेस करेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, जियो एयरटेल के थ्रू नेट को परचेस करेंगे, और यही नेट वो हॉटस्पॉट के द्वारा आपको प्रदान करेंगे, यही नेट वो हॉटस्पॉट के द्वारा आपको प्रदान करेंगे। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपके पास मोबाइल में डेटा नहीं है, तब भी आप अगर जो भी एरिया के अंदर आप घूम रहे हो उसके आसपास ऐसा कोई हॉटस्पॉट है, ऐसा कोई हॉटस्पॉट है जो ऑथोराइज हॉटस्पॉट है, वहाँ पे आप नेट का यूज़ कर पाते हो, राइट, इस स्कीम के अंदर में। तो ये नेट कौन प्रोवाइड करेगा, पब्लिक डेटा ऑफिसर्स, समझ में आया कैसे प्रोवाइड करेगा, वो नेट को परचेस करेगा और हॉटस्पॉट आपको देगा। उसके लिए भी आपसे थोड़ा मिनिमल चार्ज तो लेगा, ऐसा नहीं कि फ्री लेगा, मिनिमल चार्ज वो आपसे लेगा पब्लिक डेटा ऑफिसर। ये पूरे एरिया के अंदर जितने भी पब्लिक डेटा ऑफिसर्स होते हैं उसको रेगुलेट कौन करता है, पब्लिक डेटा ऑफिसर्स अथॉरिटीज, सॉरी एग्रीगेटर्स, पब्लिक डेटा ऑफिसर्स एग्रीगेटर्स, राइट। और एक तीसरा है ऐप प्रोवाइडर। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपके आसपास कितने ये पब्लिक डेटा ऑफिसर्स एरिया के के आसपास, आसपास, तो आप एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको डेटा मिल जाएगा कि आपके एरिया के आसपास कितने पब्लिक डेटा ऑफिसर्स है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो कौन प्रोवाइड करता है, ऐप प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये पूरा चेन है, ये तीन संस्था से, तीन पर्सन से मिला हुआ ये पूरा स्कीम है पीएम वाणी, राइट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, तो अभी आपको ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी, राइट, कि रेलटेल ने लॉन्च किया है पीएम वाणी बेस्ड एक्सेस टू इट्स वाईफाई। देखो अभी यहाँ पे पब्लिक डेटा ऑफिसर की तरह कौन काम करता है, रेलटेल, जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो पब्लिक डेटा ऑफिसर की तरह काम कर रहा है, वो अपना वाईफाई कितने रेलवे स्टेशन को प्रोवाइड करेगी, 100 रेलवे स्टेशन को प्रोवाइड करेगी, राइट। और टोटल कितने हॉटस्पॉट है उसके वाईफाई के अंदर में, टोटल वाईफाई के अंदर में उसके 384 हॉटस्पॉट्स है रेलटेल के, वो उसकी वजह से 100 रेलवे स्टेशन के अंदर ये पीएम वाणी बेस एक्सेस लोगों को वाईफाई एक्सेस प्रोवाइड करवाएगी, राइट। ओके, तो पीडीओ की तरह कौन काम कर रहा है यहाँ पे, रेलटेल, राइट। और यहाँ पे ऐप प्रोवाइडर, कौन सी ऐप के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको आपके नज़दीक कौन सा पीडीओ है, मतलब रेलटेल पीडीओ की तरह काम कर रहा है, मतलब रेलटेल के द्वारा जितने भी ये जो पीडीओ है ना वो रेलटेल के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ये जो 384 जो हॉटस्पॉट्स है टोटल 100 रेलवे स्टेशन को वाईफाई देने के लिए, वो 384 हॉटस्पॉट्स के जो 384 पब्लिक डेटा ऑफिसर्स है वो इसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, रेलटेल के द्वारा, राइट। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके आसपास कितने वाईफाई हॉटस्पॉट्स है, तो इसके लिए ऐप प्रोवाइडर, एक ऐप प्रोवाइडर के साथ उसने कोलाबोरेशन किया है और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, वाई डॉट, WEI डॉट, राइट। और ये एप्लीकेशन को किसने बनाया है, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेलीमेटिक्स, सेंटर CDOT के द्वारा बनाया गया है ये एप्लीकेशन को, राइट। तो समझ में आया कि पीएम वाणी इस स्कीम के अंडर में अभी रेलटेल ने लॉन्च किया है कि वो अपना वाईफाई, मतलब 384
वाईफाई हॉटस्पॉट्स ये 100 रिजर्वेशन के पैसेंजर्स को देगी, पैसेंजर्स को, स्टाफ को, राइट। तो कैसे, तो रेलटेल ये पब्लिक डेटा ऑफिसर्स को हायर कर लेगी अपने अंडर में, राइट। ये और ऐप प्रोवाइडर के तरीके कौन, ऐप प्रोवाइडर के तरह के ऊपर कौन काम कर रहा है, कौन सी एप्लीकेशन काम कर रही है, WIDOT, और उस एप्लीकेशन को किसने बनाया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के द्वारा, राइट। तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा। ये पीएम वाणी स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो पीएम वाणी स्कीम वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंडर में काम करती है, और उसका एक एम है कि टू कनेक्ट ऑल सिलो वाईफाई नेटवर्क्स फॉर द ईज ऑफ द यूज एंड प्रोलिफरेट द ब्रॉडबैंड यूसेज फॉर द मासेस, एंड पीएम वाणी बेस्ड एक्सेस ऑफ द पब्लिक वाईफाई सर्विसेज वुड बी एक्सटेंड टू द ऑल, जो अभी 100 रेलवे स्टेशन के ऊपर काम कर रहा है ना, टोटल 6102 रेलवे स्टेशन है इंडिया के अंदर, वो सभी रेलवे स्टेशन के अंदर ये पीएम वाणी बेस्ड एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। कब तक, तो 30 जून 2022 तक। कब तक, 30 जून 2022 तक, राइट, बाई द एंड ऑफ जून 2022 तक 6102 रेलवे स्टेशन के अंदर पीएम वाणी बेस्ड वाईफाई एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब अलग अलग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके अलग अलग जो पब्लिक डेटा ऑफिसर्स को हायर किया जाएगा उस कंपनी के द्वारा, और उस पब्लिक डेटा ऑफिसर के द्वारा वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट किए जाएंगे और उस हॉटस्पॉट को फिर लोग यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फ्री में, आपको थोड़ा माइनर चार्ज तो देना पड़ेगा, लेकिन वो आपके आसपास कितने हॉटस्पॉट है वो कैसे पता चलेगा, कौन हॉटस्पॉट प्रोवाइड करवाता है, कौन कैसे पता चलेगा, वो ऐप प्रोवाइडर के द्वारा, और इस केस के अंदर ऐप प्रोवाइडर कौन है, वाई डॉट, राइट, और किसने बनाया है, सी डॉट के द्वारा। आई थिंक समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने अभी साथ में मिलकर लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन प्राइम प्लेबुक टू हेल्प द एकेडमिशियंस टू लॉन्च द डीप टेक स्पिन ऑफ, डीप टेक एंटरप्राइज। अभी अगर हम इस न्यूज़ के अंदर डिटेल में अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि ये अटल इनोवेशन मिशन प्राइम क्या है, अटल इनोवेशन मिशन प्राइम क्या है। तो अटल इनोवेशन मिशन प्राइम वो एक्चुअली लॉन्च कब किया गया था, 2021 के अंदर, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, नीति आयोग के द्वारा, राइट, नीति आयोग के द्वारा इन कोलाबोरेशन विद द बिल एंड मलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप करके नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन प्राइम लॉन्च किया था। प्राइम का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम फॉर द रिसर्चर्स इन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन प्राइम के अंडर में क्या किया जाता है कि जो एक स्पेसिफिक इश्यू है, फॉर एग्जांपल अभी पेंडेमिक के दौरान वैक्सीन को डेवलप करना, वैक्सीन को डेवलप करना, राइट, अभी जो भी रिसर्चर्स वो वैक्सीन को डेवलप करने के ऊपर काम करते हैं, राइट, रिसर्चर्स, जो भी रिसर्चर्स वैक्सीन को डेवलप करने के ऊपर काम करते हैं, अभी वैक्सीन को डेवलप करना मतलब उसमें बहुत सारा रिसर्च चाहिए, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर चाहिए, बहुत सारे ट्रायल्स करने पड़ेंगे उसको रिसर्च करने के लिए, उसको इन्वेंट करने के लिए, तो ऐसे रिसर्च को बोलते हैं डीप टेक, कि जहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी उसके रिसर्च के लिए, राइट। तो अगर आपको डीप टेक रिसर्च करना है, राइट, और जो भी रिसर्चर्स उसके ऊपर काम करता है तो उस रिसर्चर को यहाँ पे सपोर्ट फाइनेंशियली और टेक्निकली अटल इनोवेशन मिशन के इस इनिशिएटिव के द्वारा दिया जाता है। कौन सा इनिशिएटिव है, अटल इनोवेशन मिशन प्राइम प्रोग्राम फॉर द रिसर्चर्स, रिसर्चर्स के लिए प्रोग्राम है कि जो इनोवेशन करता है, जो मार्केट रेडीनेस अपने प्रोडक्ट को बनाना चाहता है और जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जो रिसर्चर्स ऐसे स्पेसिफिक इशू के ऊपर, जनरल पब्लिक के इशू के ऊपर नहीं, ये ऐसे स्पेसिफिक कि जो जिसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च लगता है, जिसके ऊपर बहुत सारे ट्रायल्स करने पड़ते हैं, ऐसे रिसर्च को बोलते हैं डीप टेक रिसर्च, ऐसे और ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं डीप टेक प्रोडक्ट, जहाँ पे बहुत ही डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ पे बहुत ही डीप रिसर्च की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ऐसे रिसर्चर्स को इस इनिशिएटिव के अंडर, अटल इनोवेशन मिशन के इस इनिशिएटिव, अटल इनोवेशन मिशन प्राइम इनिशिएटिव के अंडर में उसको फाइनेंशियली और टेक्निकली सपोर्ट किया जाता है। और कितने साल का यहाँ पे उसको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, 12 महीने का, कितने साल का, 1 साल का उसको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है इस इनिशिएटिव के अंडर में। कब लॉन्च किया गया था इनिशिएटिव, 2021 के अंदर, राइट। तो इस इनिशिएटिव के अंदर क्या किया जाता है कि जो रिसर्चर्स जो रिसर्च कर रहा है, जो अपने प्रोडक्ट को लेबोरेटरी से मार्केट में लाना चाहता है, तो इस इनिशिएटिव के अंदर बहुत सारी प्लेबुक भी उसको प्रोवाइड की जाती है, बहुत सारे कोर्स के वीडियोस भी उसको प्रोवाइड की जाते हैं, और उसके अलावा अगर कोई इंस्टीट्यूट के अंदर वो जो भी चीज़ डेवलप करना चाहता है, अगर कोई इंस्टीट्यूट के अंदर कोई ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है तो उसको भी
उसका एक्सेस मिल सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल कि आईआईटी बॉम्बे है, फॉर एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे है वो भी ऑलरेडी कोई वैक्सीन को डेवलप करने के लिए काम कर रही है, तो ये जो रिसर्चर है जो वैक्सीन को डेवलप करना चाहता है तो वो आईआईटी बॉम्बे में जाके इस इन लोगों के साथ मिलके काम कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, राइट। तो ये सब प्लेटफॉर्म इस इनिशिएटिव के अंडर में मिलते हैं। इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? अटल इनोवेशन मिशन प्राइम इनिशिएटिव, राइट। तो अभी रिसेंटली नीति आयोग के द्वारा कि जो रिसर्चर्स है कि जो ये अटल इनोवेशन मिशन प्राइम के अंडर में काम करते हैं तो उनको हेल्प मिल सके इसके लिए एक प्ले बुक लॉन्च किया गया, अटल इनोवेशन प्राइम प्ले बुक, राइट। कि जहाँ पे उन रिसर्चर्स को अपने रिसर्च के लिए उनको यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पे वो लोग कुछ स्टडी करके कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो एक प्ले बुक उनके लिए लॉन्च किया गया, राइट। ये प्ले बुक किसने लॉन्च किया? डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लॉन्च किया, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, राइट। तो ये अटल इनोवेशन प्राइम प्ले बुक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये उसके अंदर पूरी बहुत सारी चीज़ें कि जो एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखी गई हुई है, जिसको चीफ एडिटर के द्वारा एडिट किया गया है, कि जो एकेडेमिशियंस को जो रिसर्च करते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर उनको काम में आ सकती है, राइट। तो टोटल 12 महीने का यहाँ पे कोर्स भी प्रोवाइड किया जाता है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है अगर कोई भी रिसर्चर्स को कोई स्पेसिफिक इश्यू को के ऊपर काम कर रहा है और बहुत ही जो इश्यू बहुत ही रिसर्च मांग रहा हो, जो एकदम डीप टेक एंटरप्राइज के लिए ये एक्चुअली एक इनिशिएटिव है जो अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। और अटल इनोवेशन मिशन किसके अंदर में काम करता है? नीति आयोग के अंदर में, राइट। तो आई थिंक आपको ये न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 मई, और इस बार भी 11 मई 2022 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया गया था। हम इस डे के बारे में डिटेल के अंदर बात करें तो 11 मई को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द अचीवमेंट्स ऑफ द साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स एंड अदर्स इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टू सेलिब्रेट द मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ऑफ द इंडिया। हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर में जितने भी रिसर्चर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट ने अचीवमेंट्स ली है उनके कमेमोरेशन के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, राइट। और पर्टिकुलरली इस दिन को 11 मई को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि हमने 11 मई 1998 के अंदर हमने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, जो पोखरण 2, और उसका निक नेम क्या है? ऑपरेशन शक्ति को लॉन्च किया था। कब? 11 मई 1998 को। इसके लिए हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम कौन सी रखी गई थी नेशनल टेक्नोलॉजी डे की? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। थीम ऑफ द नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 इज इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा थीम कौन सी रखी गई थी? तो प्रगति। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोमोटिंग द एवेन्यूज फॉर द ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। प्रगति थीम किसके द्वारा रखी गई थी? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, राइट। तो प्रगति का फुल फॉर्म प्रोमोटिंग द एवेन्यूज फॉर द ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, प्रगति का फुल फॉर्म आ सकता है कि। और प्रगति थीम किसने रखी थी? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा कौन सी थीम रखी गई थी? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, राइट। अगर मैं 11 मई 1998 की बात करूँ तो इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज, कहाँ पे? राजस्थान के अंदर 11 मई। इसके लिए ही हर साल हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे को सेलिब्रेट करते हैं, राइट। और द फर्स्ट नेशनल टेक्नोलॉजी को कब सेलिब्रेट किया गया था? 11 मई 1999 के अंदर, राइट। अगर मैं न्यूक्लियर टेस्ट की बात करूँ तो ये पोखरण 2 की सक्सेस के ऊपर हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं, तो पोखरण 1 का क्या हुआ था उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो पोखरण 1 कब लॉन्च किया गया था, मतलब न्यूक्लियर टेस्ट पहली बार कब लॉन्च किया? 1974, तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी, राइट। और टेस्ट कौन ओवरसीन कर रहा था? राजा रामना, द डायरेक्टर ऑफ द इंडिया प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये जो पोखरण 2 हुआ था वो उसके अरे सॉरी पोखरण 1 हुआ था उसके डायरेक्टर कौन थे? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो डायरेक्टर थे कौन? राजा रामना, वो उनके डायरेक्टर थे उनके। अगर मैं पोखरण 2 की बात करूँ तो पोखरण 2 वो 1998 के अंदर लॉन्च किया गया, और उसके जो डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जो उस टाइम थे DRDO के चीफ, राइट।
तो पोखरण वन के डायरेक्टर कौन थे, पोखरण टू के डायरेक्टर कौन थे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पोखरण वन कौन से साल के अंदर लॉन्च किया गया, पोखरण टू कौन से साल के अंदर लॉन्च किया गया, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब ये हमने सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट किया है न्यूक्लियर टेस्ट, तब इंडिया सिक्स कंट्री बना था टू ज्वाइन द न्यूक्लियर क्लब ऑफ द नेशंस, राइट। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, पोखरण टू, पोखरण वन, उसके डायरेक्टर्स, राइट, और इंडिया कौन सा देश बना था, सिक्स नेशन बना था टू ज्वाइन द न्यूक्लियर कप, राइट। तो आई थिंक आपको आज की सभी न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स।